प्रसन्नता जैसे गाते हैं वैसे हम लोग इसको गाएंगे दोहराएंगे। श्री कृष्ण नाम चरितादि श्री काव्य विद्या पीतोपतास्य रसनास्य नरोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाभिक्रमाद् भवति तद्गदगगनमूलहन्ति श्री कृष्ण नाम चरितादि श्री काव्य विद्या पीतोपताप्त रसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गदमूलहन्ति श्री कृष्ण नाम चरितादि श्री काव्य विद्या पीतोपताप्त रसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गदमूलहन्त्री किन्त्वादराद् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गदमूलहन्त्री स्यात् कृष्ण नाम चरितादि श्री काव्य विद्या चरितादि सर्वस्य न रोचिकानु
तौ खरु सैव दुष्टा वाद्विक्रमात् भवति तदगत मूलहंत्री सीता मिश्री अपि यद्य अविद्या अज्ञान का पीत पीत से उपतप्त पीड़ित रसनस्य जीवति न नहि रोचिका स्वादिष्ट न नु अहा। कितना आश्चर्य है यार, किंतु लेकिन आदरा सावधानी पूर्वक अनुदिनम प्रत्येक दिन या अहर्निश खलु स्वभावता शा व पवित्र नाम रूपी मिश्री एवं निश्चय ही जुष्टा ग्रहण की गई या उच्चरित स्वाद्वी स्वादिष्ट क्रमार्थ क्रमशः भवती हो जाती है तदगत उस रोग की मूल जड़ हंत्री नष्ट करने वाली। अनुवाद एवं तात्पर्य भाई जो भैंग्रेश ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार है। सभी लोग दोहराएंगे इसको अनुवाद को। कृष्ण का पवित्र नाम चरित्र निलायन तथा कार्यकाल सभी मिश्री के समान है।
आध्यात्मिक रूप से मधुर है। यद्यप अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। बहुत ही सुंदर श्लोक है। लोग धीरे धीरे पहले श्लोक में श्रद्धा से शुरू किए थे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इन ग्रंथों में, तो हम एक के ऊपर एक एक एडवांस भक्ति की तरफ उससे ऊपर के श्लोक में हम बढ़ रहे हैं, उच्च चेतना की तरफ बढ़ रहे हैं, हायर प्लेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहां पे श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि तात्पर्य प्रपाद लिखते हैं, सबसे पहले प्रपाद तात्पर्य में सारांश में इसका व्याख्या किए हैं, फिर धीरे धीरे उसके विस्तार से इसका व्याख्या करते हैं। प्रपाद की व्याख्या इतनी सुंदर है इन श्लोकों का कि सिर्फ पढ़ने मात्र से ही हमारा हृदय पवित्र होता है। प्रभात कहते हैं कि भगवान कृष्ण का पवित्र नाम, उनके गुण, उनकी लीलाएं इत्यादि सच्चिदानंद स्वरूप है और ये स्वभावतः सबको प्रिय लगने वाली मिश्री के समान अत्यंत मधुर है। इतनी मधुर है, कैसी मधुर है, इसकी मिठास कैसी है, तो कहते हैं कि सीता मिश्री के समान है। मिश्री बहुत मीठी होती है, हालांकि ये सिर्फ तुलना करने के लिए किया गया है, लेकिन ये अतुलनीय है भगवान का नाम। तो करेंगे मिश्री के समान जो है भगवान का नाम मीठी है, इतनी मीठी है जैसे मिश्री सुनते ही मुंह में लाल पकड़ने लगता है। अब तो मिलता भी नहीं है मिश्री, है ना, सिर्फ वृंदावन में मिला था, बहुत खाए थे, बहुत खाए थे। तो मिश्री के समान मीठा है ये भगवान का नाम रूप गुण लीला। भगवान का नाम सत्य है, सुंदर है। हम लोग फिल्मों में देखते थे सत्यम सुमन शिवम सुंदरम, तो सत्य है, शिव है, सुंदर है, शिव मतलब शुभ है, मंगलकारी है। भगवान का नाम लेना, नाम लेने से ही हमारे अंदर आनंद की उत्पत्ति होती है, सत्य का गुण हमारे अंदर हो जाता है, हमारा जीवन मंगलमय हो जाता है, हमारा जीवन सुंदर हो जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम, यहां शिवम का मतलब यह नहीं कि शिव, यहां तात्पर्य ऑस्पिशनेस मतलब मंगलकारी है। लेकिन समस्या यह है कि भगवान का नाम रूप गुण लीला इतना सुंदर होते हुए मिश्री के समान मीठा होने के बावजूद भी हमें ये मीठा क्यों नहीं लगता है, हमें इन नामों में रुचि क्यों नहीं आ रही है। अगर ये शुगर कैंडी जैसा है, गन्ने के जूस से जो मिश्री बनता है, शुगर कैंडी बोलते हो मिश्री, अगर ये मिश्री तो सबको अच्छा लगता है, तो भगवान का नाम अगर मिश्री के जैसा है तो फिर हमें ये अच्छा क्यों नहीं लगता है, इसमें रुचि क्यों नहीं उत्पन्न हो रही है, अच्छा तो लगना चाहिए, फिर प्रॉब्लम कहाँ है। अगर हम मार्केट में भी नगर संकीर्तन लेके चलते हैं तो लोग घर की छतों पर से देखते हैं, हम लोग बुलाते भी हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलिए तो लोग मुंह भी झुकाते हैं, है ना,
नहीं निकलता है, होंठ पर दबाए रखते हैं। क्यों नहीं निकलता है मुख से मेरा भगवान का नाम? उनकी बात को छोड़ दीजिए, हम भक्तों में भी देखते हैं, हम जब करते हैं कीर्तन करते हैं, अगर सुबह माला जब पूरा नहीं हो पाता है तो सामने लगता है कितना भार लगता है जब पूरा नहीं हुआ। और सामने जो जब पूरा करने के लिए बैठते हैं तो बहुत कठिन लगता है, फटाफट जल्दी जल्दी किसी तरह से उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। अगर इसमें आनंद आता तो और करने का मन करता, रुकने का मन नहीं करना चाहिए था, लेकिन भाव लगने का साफ होते होते रुचि क्यों नहीं आती है? ये कह रहे हैं कि सात कृष्ण नाम चरित आदि, या कृष्ण का नाम, उनका चरित, उनके गुण, उनकी लीलाएं आदि, सीता करें कि मिश्री के समान है, लेकिन मिश्री क्यों नहीं लगता है? कह रहे हैं कि अविद्या, हमारे अंदर रोग है, बहुत बड़ा रोग है। ये कौन सा रोग है? अविद्या का रोग है। और कह रहे हैं कि अविद्या पितोपतप्त रसनस्य न रोचुका, करें कि जिस तरह से लोगों में एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं पीलिया, जॉन्डिस बोलते हैं। पीलिया रोग कैसे होता है? लिवर में एक ग्लैंड होता है, गॉल ब्लैडर होता है, पित्त थैली होती है। तो हमारे शरीर में किसी कारणवश अगर एक्सेस बिलिरुबिन बनने लगता है, पित्त ज्यादा बनने लगता है, और उस थैली से पित्त बाहर नहीं निकल पाता है, आंख में नहीं आ पाता है किसी रोग के कारण, कोई इन्फेक्शन के कारण नली जाम हो जाता है या ट्यूमर हो जाता है, कैंसर हो जाता है, तो नली इतना पतला होता है तो नली जाम हो जाता है। आजकल के मौसम में बहुत देखने को मिला है पीलिया रोग। तो जब पित्त, जो नेचुरली पित्त सबके शरीर में बन रहा होता है और पित्त की थैली में जमा होता है और उसको बाहर निकलना होता है, जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन को पचाने के लिए पित्त को बाहर आना जरूरी है, लेकिन जब वही पित्त बाहर नहीं आ पाता है, जमा होने लगता है पित्त की थैली में, तो धीरे धीरे वो तो थैली छोटा है तो धीरे धीरे ब्लड में आने लगता है, और ब्लड में आने के कारण जब एकदम एक्सेस हो जाता है तो हमारी चमड़ी में भी दिखाई पड़ने लगता है, हमारी आंखों में दिखाई पड़ने लगता है, हमारे मलमूत्र का रंग भी बदल जाता है। क्यों? तब उसको बोलते हैं हम लोग, हमें पीलिया हो गया है, पीला दिखाई पड़ने के कारण। और पीलिया रोग का लक्षण क्या है? व्यक्ति कहता है कि हमें कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, स्वाद ही नहीं आ रहा है। अब कभी भी देखे होंगे कि स्मेल चला गया था हमारा, सूखने की शक्ति चली गई थी, स्वाद भी चला गया था। पीलिया रोग में इवन प्रिय से प्रिय मिठाई वस्तु भी, हमें मीठी वस्तु भी कड़वी लगने लगती है। तो जिस तरह से पीलिया रोग में मिठाई भी कड़वी लगने लगती है, उसी तरह से हमारे अंदर एक रोग है जो अविद्या का रोग कहलाता है। और ये अविद्या रूपी पीलिया होने के कारण हमें ये कृष्ण का नाम जो मिश्री के समान मीठा है, हमें कड़वी लगती है, कड़वी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि हम गलत आश्रय में हो गए, माया के कारण। भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है माया, हम दुराश्रय में चले गए हैं, दूसरा दुराश्रय, गलत आश्रय हम धारण किए हुए हैं, दूसरे गलत आश्रय में हैं। और इस कारण, गलत आश्रय के कारण,
ये नाम जो है मिश्री के समान मीठी है, ये मीठी नहीं लग रही है। प्रभात जी कहते हैं कि अज्ञान की तुलना विद्या रोग से की गई है, जो पित्त के स्राव से उत्पन्न होता है। पीलिया से ग्रस्त रोगी की जीभ मिश्री का स्वाद नहीं ले पाती, अपितु पीलिया के रोगी को मीठी वस्तु कड़वी लगती है। इसी प्रकार से अविद्या यानी अज्ञान भगवान कृष्ण के दिव्य सुस्वादु नाम गुण रूप लीलाओं का स्वाद लेने की शक्ति को विकृत कर देती है। इस रोग के होते हुए भी यदि कोई सावधानी और ध्यान के साथ कृष्ण का पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए और उनकी दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हुए कृष्ण भावना को स्वीकार करता है तो उसकी अविद्या नष्ट हो जाएगी और उसकी जीव भगवान की दिव्य प्रकृति तथा उसके साज सामान का मधुर स्वाद प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगी। इस प्रकार का आध्यात्मिक स्वार्थ लाभ कृष्ण भावनामृत के नियमित अनुशीलन द्वारा ही संभव हो पाता है। तो प्रभात यह कहना चाह रहे हैं कि एक तो हमें रोग है, रोग का कारण क्या है और इसका समाधान क्या है, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये जो भगवान का नाम है मिश्री के समान मीठा क्यों है, हम इसको कैसे समझें, कहां लिखा है, किसने कहा है, तो हम लोग वैष्णव स्वयं भी खोलेंगे उनके भी दिए हुए हैं। केवल अष्टकम में बहुत सुंदर एक श्लोक आता है, आचार्य लोग आते हैं मधुरम मधुरे भ्योपी, बोलिए मधुरम मधुरे भ्योपी, मंगले भ्योपी मंगलम, मधुरम मधुरे भ्योपी, मंगले भ्योपि मंगलम, पवनम पवने भ्योपि, हरे नाम केवलम, हरे नाम केवलम, हरे नाम केवलम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। भगवान कृष्ण का नाम मधुर से भी मधुर है, मधुरम मधुरे भ्यो अपि, ये मधुर वस्तु से भी मधुर है। मंगल भ्यो अपि मंगलम, ये मंगल से मंगल वस्तु से भी मधुर है, मंगल है, मंगलकारी है, मंगल को भी मंगल करने वाली है। पावनम पावन भ्यो अपि, ये पावन वस्तुओं को से भी पवित्र है। ये भगवान का पवित्र नाम हरि नाम है, हरि नाम भगवान का नाम है, ये बहुत मधुर है। महाभारत के प्रभास खंड में बहुत सुंदर श्लोक आता है कि मधुर मधुरम एतन मंगल मंगलाम, सकल निगम बलि सत फलम चित स्वरूपम, सकृत अपि परिगितम सध्या हिलया वा विभुवर नर मात्रम कारयेत कृष्णना। मधुर मधुरम मधुर से भी मधुर और मंगल से भी मंगलकारी भगवान का नाम, ये सारे वेदों का ये पक्का हुआ फल है भगवान का नाम।
भृगुवरण और मातृभ है, भृगु में श्रेष्ठ कहेंगे ये भगवान का नाम, इतना शुद्ध है, इतना मधुर है, इसको कोई श्रद्धा से ले या अश्रद्धा से ले, ये हमेशा कल्याण करने वाली है, ये भगवान का नाम तारने वाली है, व्यक्ति को मुक्त कर देती है। तो जो नाम इतना मधुर है, हमें ये इतनी मीठी क्यों नहीं लगती है? तो यह कहते हैं कि पितोपतस्तप्तदर्शनस्य न रोचिका, हमारे अंदर अविद्या रूपी पीलिया रोग हो गया है। ये रोग किसी व्यक्ति यहाँ के यहाँ धार्मिक प्रोग्राम होता है, कथा होती है, लोगों को प्रचार के लिए भगवान के लोगों को लेके आई नए नए लोगों को, अगर ये 200 लोग हैं या आधे लोग अगर पहली बार आए हैं, तो अगर आध्यात्मिक टॉपिक पर उनसे चर्चा भी कीजिए तो सुनते ही क्या बोल रहे हैं इनको। आध्यात्मिक टॉपिक में भी ये संसार की का टॉपिक भी ही खोजने लगते हैं, कैसे हम धन प्राप्त करेंगे, कैसे हम भौतिक भोगों को भोगें, इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है यहाँ पे। आध्यात्मिक टॉपिक में भी हम वो खोजते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम ईर्ष्या करते हैं, हमारे अंदर भगवान के प्रति ईर्ष्या है। ईर्ष्या क्यों है? अविद्या के कारण है। अविद्या क्या है? ये कि हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हैं कि हम कौन हैं। हम अपना स्वरूप, अपनी पहचान अपने शरीर से करते हैं कि हम ये शरीर हैं, हम आत्मा नहीं हैं। हम नहीं जान पाते हैं कि हम भगवान के अंश हैं। और हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हम भगवान के अंश हैं, भगवान के हैं, और हमारा स्टेटस क्या है? भगवान के सेवक हैं। भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की सेवा करना ही हमारा स्वरूप है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन होना चाहिए, हमारा स्वरूप होना चाहिए। लेकिन हम उस स्वरूप को नहीं जान पाकर हम अपनी पहचान इस शरीर से किए हुए हैं। उस शरीर को जो हम कभी हुए ही नहीं, हम ये शरीर नहीं है। ये शरीर हमारा है, हम शरीर नहीं है। ये लॉजिकल चीज है समझना इसको, ये कोई कठिन काम नहीं है इसको समझना कि हम ये शरीर नहीं है, ये हमारा शरीर है, ये हमारा हाथ है, ये हमारा सिर है, हमारा ये पैर है, हमारा ये पेट है। हम पेट नहीं है, हम ये हाथ नहीं है, ये हमारा हाथ है, ये हमारा ये शरीर है। हम और हमारे अलग अलग चीज है। और एक तो हम ये शरीर नहीं है, और शरीर भी हमारा कभी नहीं हो सकता है। ये जैसे चाहे वैसे शरीर हमारे अनुसार नहीं रहता है, जितना दिन चाहे उतना दिन हमारे शरीर हमारे अनुसार नहीं रहता है। तो फिर शरीर हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं हो सकता है, ये हमेशा हमेशा धोखा देता है ये शरीर। फिर भी हम अपनी पहचान शरीर के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, हम अपनी पहचान शरीर से करते हैं। चार लोग कहते हैं, भक्तों में श्लोक आता है, हम कहते हैं कि हमारे माँ बाप कहते हैं कि ये पुत्र मेरा है, पिता कहते हैं कि मेरा बेटा है, माँ कहती है कि मेरा पुत्र है, भाई बोलता है कि मेरा भाई है, दादाजी बोलते हैं कि मेरा नाती है, नाना जी बोलते हैं कि मेरा नाती है, मामा बोलते हैं कि मेरा भगिना है, हमारे पड़ोसी बोलते हैं कि मेरा पड़ोसी है, तो फिर हम किसके हैं? हम कहते हैं कि मैं शरीर हूं। वास्तव में हम ये शरीर हैं, न ये मेरा, ये न हम किसी के पुत्र हैं,
न किसी के नाती हैं, न किसी के भगिना हैं, हम ये आत्मा हैं। हमें इस बात को समझना चाहिए, हमारा ये स्वरूप है और आत्मा होने के नाते हम भगवान के अंश हैं और भगवान की संतुष्टि में, भगवान की सेवा में हम सुखी सुख प्राप्त कर सकते हैं, हम सुखी रह सकते हैं। भगवान से अलग होकर हम कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। सेवा को करना ही, हर व्यक्ति सेवा कर रहा है, बिना सेवा के हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। कोई अपने शरीर की सेवा कर रहा है, कोई अपने मन की सेवा कर रहा है, कोई अपने परिवार की सेवा कर रहा है, कोई अपने समाज की सेवा कर रहा है, कोई अपने देश की सेवा कर रहा है, कोई हीरो हीरोइन की सेवा कर रहा है, कोई खेल खिलाड़ी की सेवा कर रहा है, लेकिन हर आदमी सेवा कर रहा है, कोई गाय भैंस की सेवा कर रहा है। बिना सेवा के तो हम रह नहीं सकते हैं, लेकिन हम डेविएट हो गए हैं। वास्तविक सेवा किसकी होनी चाहिए? हम इस संसार की सेवा में हम सुख ढूंढ रहे हैं, संसार में हम सुख ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अपनी हम स्वरूप को भूल गए हैं। हम गलत जगह पर सेवा ढूंढ रहे हैं, सुख खोज रहे हैं, और इसको बोलते हैं अविद्या। इस भौतिक जगत में जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावना में इनको छोड़कर इस भौतिक जीवन में, इस भौतिक जीवन शैली में अधिक रुचि लेने लगता है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो व्यक्ति रोग ग्रस्त अवस्था में है, ऐसा समझा जाना चाहिए। वो रोगी है। अगर संसार के लोग इस संसार के भोग को ही अपने जीवन शैली समझ रहे हैं, यही हमारा जीवन है, यही लक्ष्य है, संसार का भोग भोगना ही, संसार में रचे पाना, बचे रहना, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम रोग की अवस्था में हैं, हम रोगी हैं। कि हम माया के बाह्य गुणों से आकर्षित होकर भगवान कृष्ण को भूल जा रहे हैं, भूले हुए हैं। ये हमारा रोग है, थोड़ा लक्षण नहीं है इस रोग का। हम नहीं समझ रहे हैं कि हम रोगी हैं, यही समस्या है। सोचते हैं क्या हर्ज है इसमें, समस्या क्या है रोगी बने रहने में। नहीं, हमें पहचानना होगा कि हम रोगी हैं। जब तक रोगी ये न कहे, रोगी अगर कहे कि हम रोगी हम स्वस्थ हैं, अगर पागल व्यक्ति कहे कि नहीं हम स्वस्थ हैं, हम पागल नहीं हैं, तो डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाएगा कभी। हमें अपने रोग को पहचानना होगा, हमें स्वीकार करना होगा कि हम रोगी हैं, हम पागल हैं, तभी उसका इलाज हो सकता है। उसी तरह से हमें समझना होगा कि हम शुद्ध नहीं हैं, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, हमारे हिंदर हृदय में कलमस हैं, काम क्रोध लोभ, ये हमारे अंदर अनर्थ भरे हुए, हम रोगी हैं, हम अशुद्ध हैं, शुद्ध नहीं हैं, भगवान से हमें प्रेम नहीं है, कृष्ण के नाम में हमें रुचि नहीं है, हमारे अंदर भक्ति नहीं है, हमें अपने इस रोग को पहचानना पड़ेगा। हमारे अंदर भक्ति नहीं है, हम वैष्णव नहीं है, वैष्णव को छोड़ दीजिए, दूर दूर की बात है, हम तो मनुष्य भी नहीं है, पशु जैसा हमारी चेतना हो गई है, खाना पीना सोना और संतान पैदा करना, अपनी रक्षा करना, ये तो पशुओं का जीवन है। ये मनुष्य पशु से क्या अंतर करता है मनुष्य जीवन? धर्म, धर्म ही ऐसा चीज है जो एक मनुष्य को एक पशु से अलग करता है। अन्यथा अगर हम मनुष्य होकर भी अपने जीवन में धर्म को नहीं अपनाते हैं, भक्ति को नहीं अपनाते हैं, तो हम एक सोफिस्टिकेटेड एनिमल हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड एनिमल, पशु का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स रूप में कर रहे हैं, महलों में रहते हैं, महलों में रहने वाले, बंगला में रहने वाले, हवाई जहाज पर रहने वाले पशु हैं, चार पैर वाले पशु हैं, दो पैर वाले पशु हैं। लेकिन
अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, प्रगति करना है, तो हमें अगर इलाज अपने रोग का इलाज करना है तो हमें अपने रोग को पहचानना पड़ेगा कि हम रोगी हैं। अपने भौतिक जीवन के फाउंडेशन को मजबूत करना होगा। प्रयोग द्वारा है कि अगर हमें मकान बनाना है, अगर 5 तला 10 तला बिल्डिंग बनाना है, अपार्टमेंट बनाना है, सबसे पहले क्या करते हैं, उसका फाउंडेशन मजबूत बना दें। उसका जो नींव है, पहले एक पोर्शन हम गड्ढा खोदते हैं, एक पोर्शन का 2 पोर्शन नीचे खोदते हैं, एक मैंने कहिए 10 फीट करीब 8 फीट 10 फीट हम नीचे खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं, उसमें कंक्रीट डालते हैं, बालू डालते हैं, गिट्टी डालते हैं, छड़ से पूरा जाल बनाते हैं, फिर ढालते हैं और लाखों रुपया पहले हम उसको फाउंडेशन तैयार करते हैं, खर्च कर उसमें रहते नहीं है हम, पहले उसको फाउंडेशन तैयार करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर फाउंडेशन मजबूत होगा तो ये जो अपार्टमेंट दिखता है वो फाउंडेशन मजबूत इसलिए दिखता है। तो हमारा भौतिक जीवन सुंदर हो, सुखमय हो, इसके लिए हमें आध्यात्मिक फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। हमें प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा हमारे जीवन में कि हमारे लिए प्रायोरिटी हमारे जीवन में क्या है, भक्ति है कि हमारा भौतिक काम है। भक्ति करते हैं धोते हैं, करो संडे के संडे आ जाते हैं, थोड़ा सा भगवान का नाम ले लेते हैं, फिर दिन भर भौतिक चेतना में रहते हैं, हमारी चेतना भौतिक भोगों में रहती है और हम सोचते हैं कि हम भगवत हम चले जाए। फाउंडेशन हमें मजबूत करना होगा, हमें अपने रोग को पहचानना पड़ेगा। समस्या क्या है, ऋषि रूप में रहे तो कितना अच्छा लग रहा है, संसार का भोग करेगी, हमें निराशा ही हाथ लगने वाली है, निराशा प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि हम इस जगत में उन गलत आश्रय ले लिया है हमने। ये आश्रय बहुत सुंदर शब्द है, ये एक स्त्री विवाह क्यों करती है, क्योंकि उसे आश्रय चाहिए। हम नौकरी क्यों करते हैं, बिजनेस क्यों करते हैं, क्योंकि हमें आश्रय चाहिए। एक बच्चे को पिता माता पिता के आश्रय चाहिए, हम आश्रय में रहना चाहते हैं लेकिन हमने गलत आश्रय ले लिया है और गलत आश्रय के कारण हम इस संसार के कष्ट को भोग रहे हैं, हमें 3 ताप में कष्ट दे रहे हैं, कभी कोविड जाने के बाद कभी डेंगू, रोड एक्सीडेंट, स्ट्रोक, कभी लकवा मारता है, हार्ट अटैक आता है, बुखार। हम संसार में करेंगे, ये संसार कवाग्नि है, हम जल रहे हैं। संसार की तुलना 2 चीजों से की गई है, सागर से और दवाग्नि से। हम इस भव सागर में डूब रहे हैं लेकिन हम इस रोग को अनुभव में अपने कष्ट का अनुभव नहीं करते हैं। सोचते हैं सब लोग इसमें हैं, हम अकेले थोड़े हैं इसमें, सब लोग मर रहे हैं, सब लोग रोगी हैं, हम अकेले थोड़े हैं, हम अनुभव नहीं कर पाते हैं कि हम रोगी हैं। सुखी होना चाहते हैं पर हमारे सारे सुख के सारे प्रयास विफल होते रहते हैं लेकिन इसको हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। अपनी त्रुटियों को हम समझ नहीं पाते हैं, हम बाहर नहीं निकलना चाहते हैं इससे और संघर्ष करते रहते हैं इसी भौतिक जगत में। क्यों? अहंकार बस। जो हमारे अंदर अविद्या होती है, हमारे जब अंदर रोग हो जाता है अविद्या का, तो अविद्या जो है अहंकार को जन्म देती है और अहंकार के कारण हम अपने इस रोग को बचा नहीं पा रहे हैं। और इस समाज हमें उसमें हमें मदद करता है उस अहंकार को बढ़ाने में। तो बात बहुत सुंदर बात लिखते हैं, 3 लोगों का नाम दे रहे हैं कि हमारा समाज अंधा है, अंधे नेताओं से भरा हुआ है, 3 तरह के नेताओं से
भरा हुआ है। ये समाज के नेता, इस समाज के वैज्ञानिक और यहाँ के फिलोसफर, दार्शनिक लोग, जो नेता हैं अंधे हैं, आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं, वो हमें सिखाते हैं, हमें बोलते हैं कि अरे भगवान नहीं है, भगवान तो होते ही नहीं है, आज जो तो उल्टा सन हो गया, उल्टा प्रचार करने वाला सन हो गया है, अध्यक्ष सन है ना, कहते हैं कि ये वो गाना गाते हैं बुढ़ बकरी पांव को जो लेता है ना, गोबर के गणेश बनो लेता है, बहुत गाते हैं, शादी भी हमें गाते हैं, इतनी स्तर की गई है हमारी, अंधे हैं जो आध्यात्मिक रूप से अंधे हो गए हैं, समाज के नेता भगवान नहीं है, अगला जो कौन देखा है, जो ऐसी यही जीवन है, सुख भोगो, सुख भोगो और मौज करो, मस्ती करो, और इस कारण क्या होता है, हम अज्ञान में हो जाते हैं, और अज्ञान में होने के कारण ये जो हमारे जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि कौन देखा है, देखे हो भगवान को, देखो तो जानो, ना तुमने देखा है ना हमने देखा है, तो हमें डाउट होने लगता है, संशय पैदा होता है हमारे अंदर, तो वास्तव में लगता है सही बोलता है, अरे देखिएगा कैसे कि हमारे आंखों की क्या शक्ति है देखने की, 40-50 होते होते तो चश्मा लग जाता है, हमने हमारी सारी इंद्रियां अपूर्ण है, आंख की देखने की शक्ति सीमित है, सुनने की शक्ति सीमित है, 20 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि वही हम सुन सकते हैं, हमसे अधिक तो कुत्ते सुन, ये मच्छर सुनते हैं ना, अगर सुनने की शक्ति हम कितनी लिमिटेड सोच लीजिए, मच्छर तो हर समय हम मनाते हैं, इन कान के पास आते हैं तभी हम सुन पाते हैं उनकी आवाज को, हमारे कान के सुनने की शक्ति लिमिटेड है, आंखों के दिखने की शक्ति लिमिटेड है, बार बार जब उदाहरण देते हैं कि इस लाइट में, इस सफेद लाइट में, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग मिक्स है, लेकिन हम नहीं देख पाते हैं इन आंखों से, इस 7 रंगों को अलग अलग करने के लिए घूर्ण की जरूरत है, प्रिज्म की जरूरत पड़ती है, देखने की शक्ति सीमित है, देखने सुनने की शक्ति सीमित है, 4 तरह ये हमसे अधिक बुद्धि सुनते हैं, स्वाद लेने की शक्ति सीमित है हमारी, 4 तरह के स्वाद ही हम जान पाएंगे आज तक, तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, और अपूर्ण इंद्रियों से जो ये अनंत संसार है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत भगवान है, इनको हम कैसे समझ सकते हैं, बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं, तो इन अपूर्ण इंद्रियों से हम जो जजमेंट देंगे वो भी अपूर्ण होगा, इसलिए समाज के लोग अंधे हैं, कहते हैं देखो तो जानो, इस समाज के नेता हमें अंधा बनाते हैं, हमें अज्ञानी बनाते हैं, ये वैज्ञानिक हमें हमारे अंदर डाउट पैदा करते हैं, संशय पैदा करते हैं, और ये हमारे दार्शनिक लोग उल्टा ज्ञान देते हैं, विपरीत बुद्धि देते हैं, खाओ पियो मौज करो, अगला जन्म कौन देखा है, और इस कारण ये अविद्या जो है 3 चीजों को जन्म देती है, एक अहंकार, दूसरा संशय हमारे अंदर पैदा करती है, और तीसरा विपरीत बुद्धि, और हम नास्तिक बन रहे हैं दिनों पर दिन, भक्ति का विरोध करते हैं, प्रभात जी ऐसे लोगों को मूर्ख कहते हैं, धूर्त बोलते हैं, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न नारधर्म माया अपहृत ज्ञान, इन लोगों का ज्ञान जो है माया द्वारा हर लिया गया है, बुद्धि माया द्वारा हर ली गई है, ऐसे धूर्त लोगों को प्रभात बहुत गाली देते हैं, रास्कल बोलते हैं, हम प्रभात जी क्या बोले, हम क्या बोले, भगवान बोल रहे हैं, ये मूर्ख लोग हैं, और मूर्खों में नराधम है,
असुर स्वभाव वाले हैं, बड़ा नाच दुखाते हैं, बहुत सुंदर बात बोलते हैं, नते करेगी नते विदु स्वार्थ गति विष्णु दुराशया बहिरथ मार्ग। इस संसार के जन अपने पिता से हिरण्यकश्यप को बता रहे हैं, प्रांत 5 साल का बालक, कि हे पिताश्री, इस संसार लोग नहीं जानते, इस संसार के लोग, कि हमारे जीवन का लक्ष्य विष्णु है, हमारे जीवन की गति विष्णु है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस संसार की करेगी दुराशया ये बहिरथ मालिका, अर्थ क्या है, भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण को पाना, भगवान कृष्ण प्रेम, ये हमारे जीवन का अर्थ है। कारण बहिरथ मालिका ये माया जगत को, एक भौतिक जगत को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठे हैं लोग, ये है कि दुराशया, गलत आश्रय लिए हुए हैं और संसार के नेता अंधे, और नेता किस तरफ जाते हैं, संसार के लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। अगर नेता अंधे कुएं में गिरेगा तो सब लोग कुएं में गिर रहे हैं, और इस तरह से हम जन्म मृत्यु के चक्कर में कर्म बंधन के रस्सी से बंध गए हैं, और इतने मजबूत रस्सी से बंध गए हैं कि निकलना मुश्किल है, इससे निकलना मुश्किल है। तो ये हमारा रोग है, अविद्या रूपी क्रिया हो गई हमारे अंदर। समाधान क्या है, प्रभात जी कहते हैं कि अगर पीलिया रोग हो गया है तो पीलिया होता है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या बोलता है, मीठा खाएंगे, ग्लूकोज का पाउडर लिखते हैं, बोलते हैं गन्ने का जूस पीजिए, गन्ने का जूस पीने के लिए बोलते हैं। अगर जोड़ी से हो जाए लोगों को तो बोलते हैं गन्ने का जूस पीजिए, खूब पीजिए, ग्लूकोज पाउडर दिया जाता है, यही इलाज है। पीलिया का कोई इलाज नहीं है, जिस तरह से डेंगू का कोई इलाज नहीं होता है, वो अपने आप ठीक होता है। साथ देखते हैं जो तकलीफ है सिर्फ उसका दवाई दिया जाता है, कोरोना का कोई इलाज नहीं था, उस तरह से पीलिया का कोई दवाई नहीं होता है, वो अपने आप ये भयानक बीमारी है, अपने आप धीरे धीरे रिकवर होता है। इसलिए कहा जाता है कि आप गन्ने का जूस पीजिए, लिवर को रेस्ट दीजिए, मीठा खाइए, तेल मसाला मत खाइए। तो मीठा खाने को बोलते हैं, मिश्री खाने को बोलते हैं। तो जिस तरह से पीलिया रोग, अगर रोग भी हो गया, जॉन्डिस हो गया है, इलाज भी उसका मिश्री ही है, चीनी ही है, उसी तरह से अगर हमें अविद्या रूपी अगर पीलिया रोग हो गया है तो उसका इलाज भी है भगवान का नाम, पवित्र नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भी कीजिए तो नाम लेने के लिए, जब इसलिए कर रहा है कि हम नाम अच्छी तरह से लेने लगे। प्रभात जी, उन्होंने पूछा कि प्रभात जी हम नाम कैसे लें, बोलेंगे नाम लो, नाम लेने के लिए भी नाम लो। क्योंकि नाम से ही हमारा चित्त जो है शुद्ध होगा। हम अविद्या में हैं, अविद्या रूपी अहंकार में हैं, और जैसे जैसे हम जब नाम लेते हैं तैसे जैसे कहते हैं कि चेत उदर प्रणमार्जनम भव महादवाग्नि निवापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवन। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा जो चित जो है, जो हमारे अंदर अनर्थ बैठा हुआ है, काम क्रोध लोभ इससे द्वेष अहंकार का,
तो धीरे 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 वो साफ होने लगता है इस नाम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम जप के तीन स्तर हैं। पहला है प्रभात लिखते हैं कि नाम अपराध का स्तर। जब शुरू शुरू में हम जब नाम लेते हैं, जब हम नव दीक्षित होते हैं, नए नए भक्त हुए रहते हैं, तो हमसे सिर्फ नाम अपराध होता है। दस प्रकार का नाम जानते हैं, नाम अपराध जानते हैं। नाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, अनेकों प्रकार का हम सिर्फ अपराधी करते हैं। दस नाम अपराध सब जानते हैं, रोज यहां हम लोग शिक्षाक्रम के बाद बोलते हैं। पहला नाम अपराध क्या है कि भगवत भगवान के नाम में, उसके प्रचार में जिसने अपना जीवन दे दिया है, उस व्यक्ति के, उस वैष्णव की निंदा करना, जिसने अपना संपूर्ण जीवन भगवान के नाम के प्रचार में लगा दिया है, उसकी निंदा करना, पहला नाम अपराध है। शिव ब्रह्मा आदि के नामों को भगवान के नाम से अभिन्न समझना या उनसे समान समझना या उनसे स्वतंत्र समझना, ये दूसरा नाम अपराध है। वैदिक शास्त्रों का खंडन करना चौथा नाम अपराध है। तीसरा क्या है, गुरु की अवज्ञा करना। गुरु की अवज्ञा करना और गुरु को एक साधारण पुरुष समझना, साधारण मनुष्य समझना, तीसरा नाम अपराध है। पांचवा नाम अपराध क्या है, नाम जप। भगवान नाम के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। कभी कभी हम शुरू में जबरदस्ती करते हैं नाम ही करना, इसलिए करते हैं। भगवान के नाम को, नाम जप की महिमा को काल्पनिक समझना, गुरु स्वीकार किए हैं लेकिन गुरु के उदाहरण पुरुष समझना, उनकी अवज्ञा करना, भगवान के नाम के बल पर पाप करना और भगवान के नाम में अर्थवाद का आरोप करना और अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान के नाम का उपदेश देना, नौवां अपराध है। और भगवान के नाम में पूर्ण विश्वास होने के बाद भी हम भौतिक आसक्ति बनाए रखते हैं, ये हमारा दसवां अपराध है। तो शुरू शुरू में भगवान, हम नाम अपराध के स्तर पर होते हैं, अपराध होते रहते हैं, फिर भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि नाम लेते रहिए। ये नाम अपराध के स्तर पर हमें भौतिक भोग मिलेगा, हमें भौतिक सुख मिल सकता है, सब तो धन मिलेगा, सुंदर परिवार मिलेगा, पुत्र प्रजन मिलेंगे, लेकिन हम वहीं पे रह जाएंगे अगर इससे आगे नहीं बढ़ने का प्रयास करेंगे तो, क्योंकि हम नाम अपराध के स्तर पे। अब दूसरा स्तर है नामाभास। नामाभास जब हम जप कर रहे होते हैं तो फिर हम अपने अपराधों को कम करने का प्रयास करते हैं। जो हमसे अपराध हो रहे होते हैं, धीरे 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 हम इन अपराधों से बचने का प्रयास करते हैं, इसको बोलते हैं नामाभास। तो जब हम नाम अपराध के स्तर पर भी होते हैं तो नाम अपराध करते करते, जब करते करते, कभी कभी बीच में हम नामाभास का भी हमारे अंदर अनुभव होता है। और जब नामाभास के स्तर पहुंचते हैं तो हम मुक्ति के स्तर पर हो जाते हैं। और इसके बाद जो तीसरा स्तर है नाम जप का, वो है शुद्ध नाम जप। जब हम भगवान का नाम शुद्ध रूप से लेने लगते हैं, निरपराध भाव से, सावधानी पूर्वक, प्रभात जी लिखते हैं कि अगर हमें इस रोग से छुटकारा पाना है, स्वस्थ होना है हमें, तो हमें अत्यंत सावधानी से और ध्यान के साथ भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना होगा, जप करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, सावधानी पूर्वक। ऐसा नहीं कि हम जप कर रहे हैं
जॉगिंग करते हुए जब हम जब करते हैं, जब कर रहे हैं, किचन में कछु दबा रहे हैं, मोबाइल जब करते हैं, लेक्चर सुनते रहते हैं जब करते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, खाना बनाते रहते हैं जब करते हैं, जॉगिंग करते रहते हैं, बस में चलते हैं जब करते हैं, वो हम सबको वो अपराध के स्तर पर नाम जब है, उसको सोचने में भक्त बोलते हैं कि वो हमें 16 माला में कीमत नहीं चाहिए। नाम जब तो कहीं भी कर सकते हैं, करिए, बंद तो नहीं करना, कम से कम भौतिक चेतना से अच्छा है कम से कम आध्यात्मिक चेतना में रहे। तो सावधानी पूर्वक, अत्यंत सावधानी पूर्वक, क्यों सावधानी पूर्वक, क्योंकि ये बहुत अमूल्य नाम हमें मिला है, ये भगवान का नाम बहुत ही अमूल्य है, गुरु ने हमें ये अमूल्य धन दिया है। भगवान कृष्ण अगर किसी को अगर धन कोई दे सकते हैं तो है भगवान का नाम। तो इस इतना बड़ा धन हमें मिला है, अमूल्य धन मिला है, और इसको हम ऐसे ही गंवा देंगे फिर हम सिर्फ समय काट रहे हैं, गिन रहे हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक और करें कि ध्यान पूर्वक, ध्यान के साथ जो हम सुनते हैं, बोलते हैं और सुनते हैं, सुना बोल क्या बोलते हैं, स्पष्ट उच्चारण और ध्यान पूर्वक सुनना, ये है जब सुख जब। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें इस मंत्र को, ये वेद मंत्र है, इसको सुनना है, बोलना है मुंह से, जीवा से, और इसको स्पष्ट रूप से सुनना, कान में आना चाहिए, तभी हमारे हृदय हृदय में प्रवेश करेगा और हमारे चित्त को मार्जन करेगा। कभी कभी हम रॉकेट जब करते हैं, है ना, चल बहुत काम देते हैं रॉकेट जब, या फिर बोलते हैं ये बहुत सारा जब का नाम है, मोबाइल जब, रॉकेट जब, वॉकिंग जब, सावधानी पूर्वक, अत्यंत सावधानी और ध्यान के साथ भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करना है और उनकी दिव्य लीलाओं का श्रवण करना है। दोनों ही जरूरी है, भगवान की लीलाओं का, कथाओं का श्रवण। अब कहते हैं कि कृष्ण भावना में स्वीकार करके नियमित अनुशीलन द्वारा भगवान के नाम का कीर्तन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नहीं करो आज किए कल नहीं करेंगे, रोज जा ही रहे मंदिर, आज नहीं जाएंगे तो क्या होगा, है ना, ऐसा नहीं। प्रतिदिन प्रतिदिन हमें भगवान के नाम का कीर्तन करना है, जप करना है, श्रवण करना है। हम कहते हैं हम इस कौन के प्रभात के अनुयायी हैं, किस तरह के अनुयायी हैं, बचाने कहते हैं किस तरह के अनुयायी हैं आप, जो अपने प्रभात के बातों को भी नहीं मानते हैं, जब करते हैं कैसा, किस तरह का स्तर का जब कर रहे हैं, कभी विचार किया है हमने, हमारे जब का स्तर क्या है। वैष्णव है, जब करते हैं ध्यान देना होगा हमें कि हमारे जब का स्तर कितनी है, हमारी चेतना कैसी है, चेतना हमारी भौतिक है या कृष्ण भावना वाली चेतना है। तो सावधानी पूर्वक ध्यान के साथ भगवान के नाम का प्रतिदिन जप, और ये करेंगे, जब इतना हम करेंगे तो हमारी चित्त जो है साफ होने लगता है, हृदय स्वच्छ हो जाएगा, क्योंकि ये रोग जो है अविद्या रूपी रोग, कहां किस अंग का रोग है, ये हमारे हृदय का रोग है, ये मन का रोग है, ये हमारे चित्त का रोग है। तो हमारा चित्त साफ हो जाएगा, हृदय साफ हो जाएगा, तो भगवान वहां आके निवास करने लगते हैं। और सरल ही है, उतना भी नहीं कठिन ही है, बहुत सरल है, लाभकारी है, करें कि
तुरंत ही भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त करने वाला है। संसार में जो जल रहे हैं हमें सतर्कता प्रदान करने वाला है। ये अविद्या रूपी अंधकार से हमें दूर करने वाला है। कृष्ण सूर्य समान माया है अंधकार, यहां जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। जहां भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण सूर्य के समान है, जहां कृष्ण है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। जहां कृष्ण है वहां माया का प्रभाव कभी हो ही नहीं सकता है। और ये माया हमें संसार में अविद्या रूपी अज्ञान में हमें भरमा रही है, संसार में रखे हुए हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में शुद्ध नाम जप करना है। कैसे होगा? धीरे 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 नाम जप से ही वो हमें शुद्ध करेगा, नाभि हमें शुद्ध करेगा। क्योंकि नाम नाम में इतना ताकत है कि नाभि हमें जो नाभि है धीरे धीरे हमारे अंदर आगे बैठेगा और हमारे चित्त को साफ करता है। तो नाम अपराध नामाभास भी शुद्ध नाम जप ये स्टेज है। फिर प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से होती है, तो मैं खत्म करेगा। शुरुआत होती है नाम जप से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी भक्ति के नौ स्तर पर यहां पर गिनगिना रहे हैं दर्पण में। पहला स्तर क्या है? श्रद्धा का। श्रद्धा रूपी नियम, जब व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होती है भगवान के प्रति तो धीरे धीरे मंदिर आता है। चलो वहां बहुत सुंदर कथा हो रही है, प्रसाद भी मिलता है सुंदर सुंदर, वहां लोग डांस करने को भी मिलता है, वहां मंदिर चलते हैं। तो श्रद्धा के कारण वो मंदिर आते हैं, धीरे धीरे नाम लेते हैं और इसके बाद साधु संग होता है। साधुओं का संग ये नहीं कि मतलब कि खाली भक्तों के संग में कीर्तन करना प्रसाद खाना, साधु संग का ही मतलब होता है जो साधु जन हैं उनके उपदेशों को मानना, उनके आदेशों का पालन करना, ये है साधु संग। और साधु संग जैसे जैसे करने लगते हैं तो हमारी भजन क्रिया होने लगती है। भजन क्रिया होने लगती है, भजन करते करते धीरे धीरे हम नाम अपराध से नामाभास शुद्ध नाम जप करने के स्तर तक जाने लगते हैं। तो भजन क्रिया के बाद हमारे अंदर जो अनर्थ है, अनर्थ धीरे 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 समाप्त होने लगते हैं, अनर्थ निवृत्ति होने लगती है। और ये भक्तों के जीवन में सबसे लंबा यात्रा है अनर्थ निवृत्ति का। सबसे लंबा जो पाठ है ये अनर्थ निवृत्ति का है, बहुत समय लेता है। और इतना समय लेता है कभी कभी भक्त इतना उब जाता है कि भक्ति ही कभी कभी छोड़ देता है। अगर जब ऐसे अपनी भक्ति करने लगता है, हमारी चेतना शुद्ध होने लगती है तो हमारा अनर्थ हमें दिखाई पड़ने लगता है। और ये हमारे ही अनर्थ इतने ज्यादा दिखने लगते हैं, बाहर जैसा दिखते हैं, लगता है कि हम तो इसको पार ही नहीं कर पाएंगे। और हार मान जाता है कभी कभी तो भक्ति ही छोड़ देता है। नहीं नहीं हमें वही ठीक है, भौतिक जगत का वो भी ठीक है, हमारे ठीक है, उसमें अनर्थ आना। तो ये अनर्थ निवृत्ति और भजन क्रिया बहुत लंबा चलने वाला है, हमें टीके रहना है। और लोग होते हैं टीके रहना है कच्चे आम की तरह, एक दिन पकेगा, लगे लटके रहना है उसे, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अनर्थ निवृत्ति के बाद धीरे धीरे व्यक्ति में अंदर निष्ठा जागृत होने लगती है। निष्ठा का मतलब वो व्यक्ति समझ जाता है कि हमें सिर्फ अब यही करना है, मरते दम तक हमें भगवान के नाम का कीर्तन ही करना है, भक्ति ही करनी है, दूसरा और कोई कार्य नहीं करना है। यह है निष्ठा। चाहे हमारे जीवन में कोई भी संकट आ जाए, कोई भी भौतिक समस्या आ जाए, हमें सिर्फ भगवान का नाम ही लेना है, इसको नहीं छोड़ना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। और इस तरह से निष्ठा के बाद का जो स्टेजेज है स्तर है बहुत फास्ट लगता है। उसके बाद क्या होता है रुचि, ये नाम रुचि जो हमें रुचि नहीं हो रही इस नाम में, कड़वी लग रही है शुरू शुरू में। अभी तक आपको समझ गए होंगे क्यों कड़वी लग रही थी, क्यों कड़वी लगती है भगवान का नाम। निष्ठा के बाद भगवान का नाम बहुत मिश्री ऐसा रुचिकर लगता है जब हम शुद्ध नाम के स्तर पर होते हैं। इसलिए तो हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप करते थे। प्रभुपाद जी 2-2 बजे रात तक ग्रंथों को लिखते थे, अनुवाद करते थे, 2-3 घंटा सोते थे। क्यों सोते थे? ऐसा नहीं कि उनको सोने का मन नहीं करता था या उनको कष्टदायक लगता था, नहीं, आनंद मिलता था उन्हें। बुद्ध तक इन नामों में, इन ग्रंथों को लिखने में हमें आनंद की प्राप्ति होती है। और जिस व्यक्ति ने अपना खून पसीना बहा करके इतना कष्ट झेल करके सिर्फ 2 घंटा सो करके हमारे लिए, हम जीवों के लिए इतना ग्रंथ दिया है, लेकिन हम ऐसे हैं कि उन ग्रंथों को पढ़ने का प्रयास भी नहीं करते। पढ़ने तक का हम प्रयास नहीं करते हैं, सोचते भी नहीं कि हम ग्रंथों को पढ़ें। प्रभुपाद जी की किताब पर इतने सरल है कि कोई व्यक्ति तत्पर्णों को समझ सकता है, ग्रंथ में कर सकता है। और अनेक ऐसे अनेकों लोग हैं, अनेकों लाखों लोग हैं जो प्रभुपाद जी को देखे नहीं है, प्रभुपाद जी किताबों को पढ़ करके भक्त बन गए। एक तो हमारा खुद का अनुभव है, हम जब मुंबई में थे हम लोग तो एक स्विट्जरलैंड के भक्त थे, वो हमारे होटल में आए थे गौरांग प्रभु के साथ। उनका अनुभव था कि जब वो ऐसे ही रोड पे घूम रहे थे और ऊपर घूमते घूमते प्रभुपाद जी का ये जो बुक है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, ये बुक उनके हाथ लगी। और किताबों को जब उन्होंने उस व्यक्ति ने पढ़ा, उसने निश्चय किया कि हमें इस आदमी से मिलना है उस किताब को पढ़ने के बाद। और उस व्यक्ति ने प्रभुपाद को ढूंढते ढूंढते इंडिया आया था, और इंडिया आने के बाद वो व्यक्ति चौपाटी मंदिर में आया, अर्थात गोपीनाथ मंदिर में। और चौपाटी मंदिर में आने के बाद मालूम चला उस व्यक्ति को कि प्रभुपाद इस दुनिया में नहीं है। और वहां के भक्तों से मिला और आज इतने सुंदर भक्त हुए, ब्रह्मचारी थे जो हमारे पास आए थे। तो ये है प्रभुपाद के बुक्स, आज लाखों लोगों का जीवन बदल दिए हैं। सतस्वरूपदास गोस्वामी महाराज साइंटिस्ट थे अमेरिका में, वैज्ञानिक थे, और प्रभुपाद जी से मिलने के बाद अपना जीवन बदल दिया। उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया यूनिवर्सिटी को, कैलिफोर्निया सिटी में थे, संन्यास लिया। उनका बहुत सारा किताब आता है TDC के नाम से, डॉक्टर TDC मिल जाए, बहुत सारे बुक्स, साइंटिफिक बुक लिखा उन्होंने, परमात्मा पे संन्यासी थे। तो प्रभुपाद जी की किताबें हमें करेंगी पढ़ना चाहिए, निष्ठा रुचि, और उसके बाद आसक्ति। आसक्ति जब होने लगेगा हमें नशा हो जाए, जैसे कहते हैं ना शराब पीने की नशा, व्यक्ति रह ही नहीं सकता है शराब के बिना। जैसे जैसे सुबह हो या शाम हो, समय जब होता है तो पहुंच जाएगा वहां। तो ये है आसक्ति। अगर आसक्ति के बाद भाव अर्थ, आदमी नाचने लगता है, अष्ट अष्ट विकार आने लगते हैं व्यक्ति के शरीर में, व्यक्ति भाव और प्रेम के स्तर पहुंचता है। तो इस तरह से हमने समझा कि भगवान का नाम, पवित्र नाम जो है मिश्री के समान मीठा तो है
लेकिन हमें रुचि कहीं ना कहीं भी मिठा नहीं लग रहा है, हमें अविद्या रूपी क्रिया रोग हो गया है। ये पूरा संसार ग्रसित है, क्यों? समाज के नेताओं के कारण, नेता वैज्ञानिक और दार्शनिक लोगों के कारण पूरा संसार आज रोगग्रस्त है, रोगग्रस्त की अवस्था में है। लेकिन हम इस रोगग्रस्त की अपनी अवस्था को पहचान नहीं पा रहे हैं, क्यों? अज्ञानता के कारण, संशय के कारण, विपरीत बुद्धि होने के कारण, अहंकार होने के कारण, जड़ का है अविद्या, अपने स्वरूप को नहीं पहचानने के कारण। समाधान क्या है? भगवान का नाम। ये भगवान का नाम हमारे इस अहंकार को, इस अविद्या को दूर करेगा, हमारे चित्त को साफ करेगा। और ऐसे चित्त साफ हो जाएगा तो हमारा हृदय जो है नम्र होने लगेगा, हम स्वीकार करने लगेंगे हमारे अंदर जो रोग है वो क्या है, हमारा स्वरूप क्या है। और जब रोग समझ में आएगा तो उपचार क्या है? भगवान का नाम लेने लगेंगे। नाम जप, नाम अपराध, नामाभास और नाम शुद्ध नाम जप। और इस तरह से जब हम भक्तों का संग करेंगे, भजन क्रिया करेंगे, अनंत निवृत्ति के बाद अनंत निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति हो जाएगी हमारे अंदर, तो हम बने रहें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जी नौ 38 हो गया है। बोलिए। पढ़ते रहे कि नाम अपराध, नाम के बल पर पाप करना, परंतु ये जिज्ञासा है कि जो व्यक्ति नाम ले रहा है और कहीं कहीं पाप भी कर रहा है, उसकी क्या गलती है, उसके लिए क्या प्रावधान है? नाम भी ले रहा है कि पाप कर रहा है कहीं ना कहीं, वो कैसे निवृत्त होगा? क्या गलती होगी कि कैसे निवृत्त होगा? कैसे निवृत्त होगा? नाम भी ले रहा है लेकिन पाप कर रहा है, तो उसका आंसर तो हमने अभी दिया यहाँ पे कि जो तीन स्तर हैं, नाम अपराध और नामाभास और शुद्ध नाम जप। तो व्यक्ति जब नाम अपराध के स्तर पर है, जब नाम के बल पे पाप कर रहा है, नाम जब विकार पाप भी हो रहा है उससे, पाप क्यों हो रहा है कि अभी वो अज्ञानता में, अविद्या में है, अपने स्वरूप को नहीं समझ पा रहा है, अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पा रहा है, उसकी बुद्धि जो है अभी अव्यवसायिक है। इतना मान बोलते हैं कि व्यवसायिक में क्या बुद्धि एक के है, जिसकी बुद्धि अव्यवसायिक है, अनेक शाखाओं में विभक्त है, वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता है। हमें अपनी बुद्धि को व्यवसायिक बनाना होगा। अगर हमें बिजनेस भी करना है तो हमें उसमें दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा अपने बिजनेस में कि हमें ये प्रॉफिट दिलाएगा, तो उसके लिए हम करते हैं। तो उसका उपाय ये है, क्यों नाम अपराध कर रहे हैं तो समझ रहे हैं, अविद्या, अज्ञानता, संशय के कारण नाम जब तो करते हैं, नाम अपराध करने का संशय होता है, डाउट होते रहता है, विपरीत बुद्धि होते हैं, मत कारण अहंकार के कारण, स्वरूप न समझने के कारण, संकल्पित नहीं होने के कारण ये नाम अपराध होते हैं और होंगे। वैष्णव अपराध होते हैं, वैष्णव अपराध के कारण, नाम अपराध के कारण, सेवा अपराध के कारण, अनेकों प्रकार के अपराध होने के कारण भक्ति में आने के बाद भी हमारी चेतना अशुद्ध बनी रहती है और अपराध करते रहते हैं और स्वाद इस नाम में रुचि नहीं होगा, स्वाद नहीं आता है। उपाय क्या? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान के नाम का नाम लेते रहिए। ये जिस तरह से पीलिया रोग में
उसका इलाज भी मीठा ही है, चीनी ही है, चीनी ही पीलिया रोग को ठीक करेगी। और एक दिन जो चीनी कड़वी लग रही थी वही चीनी और स्वादिष्ट करने लगती है। उसी तरह से नाम अपराध हो रहा है, होने दीजिए, लेकिन नाम जब छोड़िए नहीं, नाम जब लेते रहिए, भक्तों के संग में लीजिए। इसी तो प्रभात जी कहते हैं कि हमने ये इस्कॉन मंदिर बनाया है, समाज के लोग हमें गुमराह कर रहे हैं, करते रहेंगे तीन तरह के लोग, लेकिन कृष्ण भावना में प्रभात जी बोलते हैं कि हमने ये कृष्ण भावना में स्थापना इसीलिए की है कि भगवान के नाम का प्रचार अच्छी तरह से होगे, लोग यहाँ संघ में भक्तों के संघ में आकर भगवान के नाम का शुद्ध जप कर सके। शुरू शुरू में नाम अपराध होगा, लेकिन जैसे जैसे हम जब करते जाएंगे धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जब भजन क्रिया करते करते अनर्थ निवृत्ति कर्तव्य से गुजरने लगेंगे, तो वो अनर्थ निवृत्ति ऐसा नहीं एक बार हो जाए, वो बहुत लंबा चलने वाला है, वर्षों लग जाएंगे। कब तक आएगा, इस जन्म में आएगा कि नहीं, योगी नहीं कर सकते, लेकिन उपाय यही है भक्तों के संग में आम की तरह टिके रहकर हमें नाम जब करते रहना है, और जैसे जैसे करते रहेंगे तो धीरे धीरे नामाभास के स्तर पर हम पहुंचने में, और नामाभास के स्तर पर पहुंचने इसका मतलब कि हम प्रयास कर रहे हैं अपराध से बचने का, और बचते बचते धीरे धीरे हम नामाभास को भी हम पार करेंगे और एक दिन हम शुद्ध नाम जब लेने लगेंगे। उपाय क्या है? कृष्ण नाम का जप, हरे कृष्ण मंत्र का जप भी भक्तों के संग में। इसलिए कहते हैं कि पता ना कितना सही बोले नहीं मालूम हमें है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट सबसे यही है। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के ये सेंटर में बहुत सारे भक्त 16 माला किया, 20 माला, 25 माला, 32 माला, 64 माला हो रहा है। प्रभात बहुत प्रसन्न होंगे, भगवान जगन्नाथ जी कितने प्रसन्न हो रहे होंगे कि यहाँ के भक्त भगवान का नाम 64 माला तक करने लगे हैं। लेकिन एक निवेदन है, 16 माला कम से कम, अगर 64 माला कर रहे हैं, 20 माला 16 माला से ऊपर अगर कर रहे हैं, तो 16 माला कम से कम भक्तों के संग में कीजिए, क्योंकि 16 घर पे तो अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन यहां पे आके कर रहे हैं तो भक्तों के लिए भी कर रहे हैं, संसार के जीवों के लिए कर रहे हैं। ये है करुणा, ये ऊपर का स्तर, ये भक्ति के ऊपर का स्तर क्या है? करुणा, जीव दया। तो जीव दया क्या है? भक्तों के लिए जप करना, भक्तों को साथ में लेके चलना है, उनको उत्साह देना। हमारी तो जप हो ही रही है, तो कम से कम 16 माला मंदिर में आके करें ताकि और लोगों का भी उत्साह बढ़े, और हो रहा है। तो यही आपको लगता है आपका आंसर यही है, आप संतुष्ट हैं? हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच फॉर योर आंसर। ओके, बिल्कुल कर सकते हैं। आप कहीं भी रहिए, हमारी चेतना भगवान में होनी चाहिए 24 आवर। हमारी चेतना भगवान में होने के लिए हमारे पास कई उपाय हैं। एक है भगवान का नाम जप करते रहिए, नहीं तो भगवान की किताबों को पढ़िए, भक्तों के संग में रहिए, कीर्तन कीजिए, प्रसाद खाइए। हमारी चेतना आध्यात्मिक होने के लिए, भगवान के नाम लगे रहने के लिए इतनी चीजें हमारे लिए हैं। तो कहीं भी रहिए, भगवान का नाम जप करते रहिए। लेकिन होता क्या है, क्योंकि हमें क्या करना है, लक्ष्य क्या है? शुद्ध नाम जप। और ये सबका, बड़े बड़े आचार्यों का ये अनुभव है, हमारा भी अनुभव है, जब हम बस में जप करते रहते हैं, चलते हुए जप करते रहते हैं, तो हमारा जो ध्यान है, जो बात आ रही सावधानी पूर्वक और ध्यान पूर्वक जप करने की, वहां नहीं हो पाते, हम उसे निगेट हो जाते हैं। तो हमारा करना क्या है, सावधानी पूर्वक और ध्यान पूर्वक नाम लेने के लिए बोलना और सुनना, हर एक शब्द जॉगिंग करते वक्त, बस में, ट्रेन में, कहीं भी, किचन में, वो चीज नहीं हो पाएगा। इसलिए जो सीनियर
बैठता है अपना अनुभव बताते हैं कि हमें उसको नहीं गिनना चाहिए, कीजिए, लेकिन 16 माला में जाते हैं, 16 माला कर रहे हैं आप, तो वो इज्जत समझिए उसको, वो इज्जत कीजिए, वो नाम जब एक से एक बार ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के प्रयास कीजिए 16 माला उन्हें जप हो जाए। उसके बाद का जो जप होता है वो जो कंटिस होता है चेतना, एक माइंड जो मन जो है एकत्रित नहीं होता है, क्योंकि मन तो चंचल है ना, चंचलम ही मना कृष्णा। हम कभी कभी हम आज बहुत ध्यान की बात आ रही है, ध्यान जो करते हैं ध्यान में नाम लेते हैं, अर्जुन ने तो बहुत सिरे से नकार किया इसको, जब भगवान ने कहा कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग कर्म योग है। एक तो कर्म योग है, कैसा कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म, कर्म कृष्ण कर्म भी करो, सकाम कर्म नहीं। सकाम कर्म क्या है, भगवान ने बताया गीता में कि जो भी पुण्य कर्म करते हैं शास्त्र अनुसार कर्म करते हैं वो पुण्य कर्म है, वो सकाम कर्म है, वो कर्म कांड है, क्योंकि हम भौतिक इच्छा के लेकर वो कर्म करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित कर्म, इसको बोलते हैं संन्यास योग। संन्यास कृष्ण भावना भावित कर्म करने के लिए सलाह देते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, ध्यान योग। ध्यान योग मतलब क्या, लोग ध्यान करते हैं एक परमात्मा का, जो ज्ञानी होते हैं ध्यानी होते हैं योगी होते हैं, सबका लक्ष्य एक ही होता है परमात्मा को प्राप्त करना है, लेकिन अलग अलग मार्ग है, ध्यान मार्ग है, अष्टांग योग करते हैं तो ध्यान मार्ग सभी लोग पहुंचते हैं, लेकिन गिरने का डर है। विश्वामित्र मुनि को देख लीजिए, सौभरी ऋषि को देख लीजिए, अनेकों उदाहरण है। ये जो तपस्या का जो मार्ग है, तपस्या कलयुग के लिए नहीं है, ध्यान मार्ग कलयुग के लिए नहीं है। कलयुग के लिए क्या है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलयुग नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है भगवान के नाम के अलावा। तो इस कलयुग में इसलिए जब भगवान कहेंगे ध्यान करो, उसमें भी तो भगवान प्राप्त कर लोगे, तब हम क्या कहते हैं, भगवान तो प्रभु आप तो ध्यान करना यहाँ वर्णन कर रहे हैं, अष्टांग योग का वर्णन कर रहे हैं, तो मन तो हमारा चंचल है, मन इतना चंचल है, चंचल ही महाराज कृष्ण, अगर आप कहें तो मैं इस वायु को अपने कांडों से रोक दू, लेकिन मन को रोक पाना मुश्किल है। अगर हम ध्यान करेंगे आंख बंद करेंगे तो मन को तुरंत पड़े का भागता है, मन तुरंत हमारे बिजनेस में भागता है, भौतिक भोग में भागता है, स्थिर रहता ही नहीं है। आप करके देख लीजिए, आप नाम जप कीजिए, आप थोड़ा भी बोलना बंद कीजिए, आप ध्यान कीजिए, मन इधर उधर भागता ही भागता है। इसलिए बोलिए, जीवा को इंगेज कीजिए, मन को इंगेज कीजिए, हर अंगों को सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाइए, मन को भी भगवान के चरणों में लगाइए, जीवा को भगवान के नाम को कीर्तन करने में लगाइए, इंद्रियों को दर्शन करने में लगाइए, आंखों को दर्शन करने में, कानों को सुनने में, पांव को चलने में, मुंडे तक आने में, और हाथों को सेवा में लगाइए, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में। तो इसको बोलते हैं भक्ति, यह है भक्ति मार्ग, ये ध्यान मार्ग नहीं है। तो अर्जुन ने सिर से निकाल दिया कि ये नहीं होगा हमसे, तब भगवान बोलते हैं कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, तो फिर कैसे करें इसको कंट्रोल, कहेंगे अभ्यास है न तो कौनते, अभ्यास और वैराग्य से अभ्यास करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और अभ्यास करेंगे तो वैराग्य आएगा। अभ्यास और वैराग्य से हम भगवान की भक्ति करने लगेंगे, ये भक्ति के लिए योग्यता है। तो भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है, कई मार्ग हैं, कर्म योग है, ध्यान योग है, तपस्या है, ज्ञान योग है। ज्ञान में लोग कहेंगे हम ज्ञानी हैं, सब जानते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। कर्म में क्या है, कर्म में सिर्फ कर्म है, ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, भक्ति नहीं है उसमें। क्यों, एक अनपढ़ आदमी भी कर्म
कर्म कर सकता है, एक बेपूर्व आदमी भी खेत जो सकता है, धन ले सकता है। इसलिए कर्म में ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, भक्ति नहीं है। ज्ञान में क्या है देखिए, कर्म भी है ज्ञान भी है। ज्ञान होगा तो कर्म नहीं करेगा, वो कर्म कर ही रहा है, ज्ञान होगा तो और अच्छे से कर्म करेगा वो, लेकिन उसमें भक्ति नहीं है, वैराग्य नहीं है। कुछ कुछ वैराग्य आ सकता है ज्ञानी लोग, लेकिन वैराग्य नहीं होकर आसक्ति होता है। और तीसरा है क्या है, कर्म ज्ञान और भक्ति। भक्ति में देखिए कितना क्यों श्रेष्ठ है भक्ति, ये सभी उसमें निहित है। उसमें कर्म भी है, ज्ञान भी है। बिना ज्ञान का भक्ति ब्लाइंड फेथ है, अंधविश्वास है, सिर्फ मेंटल कॉम्पक्शन है वो, है ना। इसे प्रभात जी बोलते हैं कि रिलीजन विदाउट स्पिरिचुअलिटी जस्ट सेंटीमेंट, जस्ट सेंटीमेंट है। लेकिन रिलीजन विथ स्पिरिचुअलिटी, इसको नहीं, सॉरी, जो ज्ञान के साथ, ज्ञान के साथ जो हम धर्म करते हैं, वो भक्ति है, ये भक्ता नहीं है। इसलिए ये भक्ति में ज्ञान भी है, कर्म भी है और वैराग्य भी है, तीनों है इसमें। इसलिए भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। इसलिए अंतर हमारा क्या कहते हैं तुमको, तुम भक्ति को अपना, भक्ति करो, मेरा नाम लो, मेरी अपने सारी इंद्रियों को उसमें लगाओ, मन मना मन भक्तो मध्य मां नमस्कार। तो ये है भक्ति। और ये भक्ति करने के लिए कलयुग में क्या है, भगवान का नाम, भगवान का नाम कैसे लेना है, सावधानी पूर्वक और ध्यान पूर्वक। सावधानी पूर्वक ध्यान पूर्वक लेने के लिए इससे बढ़िया जगह कहीं नहीं है। भक्तों के संग में, भगवान के सामने शुद्ध नाम जब के स्तर पर हम पहुंच सकते हैं। बाकी जगह जो नाम लेते हैं, नाम सब जगह लेना है। रघुनंदन ठाकुर तो सौ क्रिया जब जाते थे, उसमें भगवान का नाम लेते थे, है ना। क्यों, क्या पता मृत्यु कहीं भी आ जाती है, सौज खत्म में समय मृत्यु आ जाए तो फिर तो नहीं रह जाएंगे फिर, क्योंकि अंधकाले चमाने वा, है ना। अंधकाल में जो हमारी गर्म मति होगी उसी गति होगी। तो अगर मध्य समय भगवान का नाम नहीं आया ध्यान पे, तो फिर तो विशेष स्थान भटकते रह जाएंगे। इसलिए भगवान ने कुछ हे रघुनंदन तुम कपाल चपत है ना, कपाल चपत तुम सौज क्रिया में जाते हो तो भगवान के नाम ले रहे थे। तो कह रहे क्या प्रभु, अगर सौज क्रिया करते समय या कहीं प्राण छूट गया तो तब तो फिर आप हमें यही रख देंगे। तब कहते हैं कि नहीं, तुम तो गोपाल चंद, तुम तो गोपाल गुरु, तुम्हारा नाम तो गोपाल गुरु होना चाहिए। इसलिए उनके पास उसका नाम हो गया गोपाल गुरु, बहुत बड़े संत हुए। तो भगवान का नाम कहीं नहीं छोड़ना है, सब जगह लिखिए, लेकिन शुद्ध नाम जब लेना है उसके लिए है। ठीक है, आंसर हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। बहुत ही सुंदर समय से इसे श्लोकी क्या करते हुए ने की अवस्था में अब तो कुछ करने के लिए सुनने बचा ही नहीं है। जितनी सहजता से असरता से प्रभु जी समझा रहे थे भगवान के नाम की विशेषता, हमारी स्थिति और इससे बाहर निकलने का उपाय, प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं कि कृष्ण भावना वृत्त जो प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय इस्कॉन संस्था की स्थापना की, ये भक्ति का नियमित अनुशीलन कृष्ण भावना वृत्त है। भक्ति का नियमित अगर अनुशीलन करते हैं हम, प्रतिदिन आते हैं, प्रतिदिन प्रभुपाद जी के बताए हुए नियमों का पालन करते हैं, तो किंत्वा दरात अनुदिनम खलुस्य वजुष्टा, इस
श्लोक तीसरी लाइन में पढ़ रहे हैं कि प्रतिदिन प्रतिदिन अगर इसका अनुशीलन करते हैं तो स्वाद्वी क्रमान हवती, इसका जो स्वाद है वो आने लगता है। और क्यों स्वाद आने लगता है? क्योंकि तदगत मूल हंत्री, जो अविद्या का जड़ है, जो कारण है, वो कारण धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो इस श्लोक में मुख्य बातें ये है, हम जानते तो हैं कि भगवान का नाम अमृत है, रसमय है, स्वादिष्ट है, सुदामा भी कहते हैं, सब जानते हैं कि समुद्र में रत्न है, रत्नाकर उनका नाम है, समुद्र का एक नाम रत्नाकर है। अब उनको सुन लिया कि समुद्र में रत्न है और समुद्र में छलांग लगा दे कि हमें रत्न प्राप्त करना है, तो नहीं प्राप्त कर पाता है। क्योंकि कुछ दूर तक अब समुद्र में भी कई स्टेप है, अगर समुद्र की गहराई में हो जाएगा तो उसे रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन उस समुद्र के तट पे रत्न खोजता है। तो वहां पर सड़ी हुई मछली मिलती है, कुछ छोटे छोटे खिलौने मिलते हैं, कुछ और अंदर प्रवेश करता है तो जीवी मछली प्राप्त होती है। लेकिन रत्न अगर प्राप्त करना है, जैसा कि सुना गया है शास्त्रों में कि समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है, समुद्र में रत्न है, लेकिन रत्न को प्राप्त करना है समुद्र की गहराई में जाना होता है, और वही गहराई इस श्लोक में बताया जा रहा है कि स्पष्ट उच्चारण और ध्यान पूर्वक सुनना, और दूसरी बात कि नित्य प्रतिदिन कित्वा करात अनुदिनम खमसेव जुष्टा स्वामी क्रमात भवति तद्गत मूलहंत्री, वो धीरे 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 उसका स्वाद आने लगता है, इसलिए लगे रहता है। तो आइए हम इंद्र से प्रभु जी का महामंत्र समर्पित करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसे क्लास तो सप्ताह में एक दिन नहीं, सप्ताह में दो दिन होने चाहिए। मेरा एक निवेदन है कि अगर संभव हो तो फिर से इन सब स्तोत्रों के ऊपर, इस उपनिषद है, भक्ति रसामृत सिंधु है, उपदेशामृत है, एक दिन ही दो दिन क्लास होना चाहिए। क्योंकि यही सुनने से ही लग रहा है कि हम पवित्र हो रहे हैं, हजारों जन्मों के पाप समाप्त हो रहे हैं। तो इन सब एक साधन के लिए, एक सेंटर के लिए ऐसे सब उपदेश, क्योंकि हम सब नव दीक्षित भक्त हैं, हमें सुनना है, जानना है, सीखना है, और जब तक ऐसी कथा को नहीं सुनेंगे तब तक हम कब समझेंगे, फिर समझ नहीं सकते। इसलिए एक क्लास संभव हो तो सप्ताह में दो दिन, और इसी वास्तव में कल मैं 11 बजे रात को आया था, लेकिन आज इसी उपदेशामृत के क्लास को सुनने के लिए आया, नहीं तो अभी क्लास पूरा नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी नहीं, रविवार है, स्पेशल डे है, और जो सुबह का क्लास होता है भक्तों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो कुछ लोग कहेंगे कि ऑनलाइन भी सुन सकते थे, लेकिन सामने प्रत्यक्ष बैठकर जो सुनने का लाभ है वो ऑनलाइन में नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई भी इस बार कोरोना में चल रहा था, लेकिन बहुत से बच्चों का एनालिसिस है कि नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई तो ठीक था लेकिन अच्छा रिविजन अच्छा तैयारी नहीं हुआ, क्योंकि ऑनलाइन में हमारा मन जो है एकाग्र नहीं होता है, और सामने प्रभु का जब हम सुनते हैं तो पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को सुनते हैं, समझते हैं। तो बहुत ही सुंदर आज के बाद महाप्रभु जी के द्वारा प्रभु जी का हृदय से महामंत्र से भरण करते हुए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। और हमें तो रियल में लगता है कि भाई इतनी सुंदर अभिव्यक्ति जो जीवन में आपके साथ किया है वह कर सकता है, इतना सुंदर वर्ण, इतने सुंदर ढंग से व्याख्या, बहुत सुंदर लगा प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा।